9th class. Good morning, all of you. We are and welcome to my science class. We are doing chapter number 4, carbon and its compound. ये करेंगे आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ठीक है बेटा, इसके जो चैप्टर रिलेटेड है एक बार लिख लीजिए, जो चैप्टर रिलेटेड है या मार्क आउट कर लीजिए आप जिसने नहीं किया है, तो उससे रिलेटेड जो रिलेटेड है उसके एक्स्ट्रा हम करेंगे. आपका इसमें रिलेटेड है, आपसे निकालिए, पहले बुक निकालिए, उसमें चैप्टर नंबर 4 निकालिए. अपने बुक में निकालिए 4.2.1. जो आपका डिलेटेड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड डिलेटेड. इस चैप्टर का रिलेटेड पार्ट बता रही मैं भाई. ठीक है, नहीं मार्क आउट किया तो कर लेना. 4.2.1 सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. सीसी लिख दिया मैंने इसको. अब आगे चलिए, नेक्स्ट है आपका 4.2.5 नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड. 4.2.5 इसके बाद आपका जो है रिलेटेड पार्ट 4.3 निकालिए. 4.3 में आपके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड. इसके बाद है आपका 4.3 तो पूरा ही है कम आपका रिलेटेड, फिर 4.4 में है सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथनोल एंड इथनोइक एसिड. इथनोल एंड इथनोइक एसिड भी कम रिलेटेड है, बचा कुछ नहीं तुम्हारा ये. अब आता है 4.5 लास्ट है इसमें, सोप एंड डिटर्जेंट. 4.5 सोप एंड डिटर्जेंट. ओके, ये सारा पॉइंट इसमें डिलेटेड है. तो जब अब हम इस चैप्टर को करेंगे बेटा, लिख लिया सबने? ओके, ये लास्ट चैप्टर था, इसको जो करने हैं निकालो बुक में, बुक निकालिए बेटा. बॉन्डिंग क्या होती है बेटा? बॉन्डिंग इसमें सबसे पहले है कार्बन कंपाउंड में बॉन्डिंग. आज जैसे आप दोनों बैठे बॉन्डिंग बना के अपनी, ठीक है, जो दो एक दूसरे के साथ अच्छे से उनका हम कहेंगे उनको एक कंपाउंड बना देते हैं मिलके आपस में अच्छे से, तो उसको बोला जाता है बॉन्डिंग. और उनके साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छे से बन जाता है तो उसको बॉन्डिंग बोला जाता है. नॉर्मल वे में बॉन्डिंग वही तो होता है, तो ये हमारे इसके साथ भी चैप्टर में यही बात है बॉन्डिंग. सबसे पहले तो गर्ल्स, हाँ जी, उसका मास लिया टूट नहीं लगाओ हमारा मास्क होना चाहिए सबके फेस. ओके, इसमें है कोवेलेंट बॉन्ड. सबसे पहले हम करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड. आ जाओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, हरी आओ. 4.2.1 आपका रिलेटेड है, ये नहीं रिलेटेड है. स्टार्टिंग रीडिंग करो बेटा. आई एम निकिता फ्रॉम क्लास 10th, चैप्टर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो
many compounds of importance to us. In this chapter, we will study about some more interesting compounds and their properties. Also, we shall be learning about carbon and elements, which is of immense significance to us in both its elemental form and in the combined form. Look at the items that come in the last common of the above table. Filled by you, your teacher will be able to tell you the most of them are made up of compounds of carbon. Can you think of a method to test this? What would be the product if a compound containing carbon is burnt? Do you know of any test? जब इसका बॉन्डिंग जो बनती है ना इसकी कार्बन जो मिक्सअप होता है बेटा वो किसके साथ मोस्टली मिक्सअप होता है वो होता है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ मिक्सअप करवाया है ठीक है हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन कहता है जब ये दोनों आपस में बॉन्ड कर जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड कर जाते हैं तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं पढ़ो बेटा Food, clothes, medicines, books, or many of the things that you listed are all based on the versatile element carbon. In addition, all living structures are carbon-based. The amount of carbon present in the Earth's crust and in the atmosphere is quite major. The Earth's crust has only crust 0.02% carbon in the form of minerals like carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum. And the atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. In spite of this small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense in this chapter. We will know about the properties of carbon which make carbon so important to us. 4.1 Bonding in carbon, the covalent bond. In the previous chapter, we have studied the properties of ionic compounds. Covalent bond, ये bonding जो होती है, दो इसमें जो bonding हमारी चलती है, तीन तरह से bonding होती है बेटा, ठीक है? तीन तरह से bonding इस chapter में चलती है. मैं आपको तीनों बता देती हूँ, लेकिन इसमें आपका आगे है जो denoted भी है कुछ इसमें, तो bonding इसकी तीन तरह से चलेगी, single bonding, double और triple bonding. ठीक है सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्डिंग वी सो डेट आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट वी आल्सो सो हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयोनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टीज लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2 फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 4.1 ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स वी फाइंड दैट दीज कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स चैप्टर 3 वी कैन conclude that the forces of attraction between the molecules are not very strong since these compounds are largely non-conductors of electricity. जो जल्दी से उनका bond टूट जाता है तो वो क्या है strong bonding उनमें नहीं होती है और जो जल्दी से नहीं टूट पाते तो उनमें strong bonding होती है वो compound easily नहीं टूट पाते हैं तो पढ़िए बेटा We can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions. In class 9th, we learnt about the combining capacity of various elements and how it depends on the number of valence electrons. Let us now look at the electronic configuration of carbon. The atomic number of carbon is 6. What would be the distribution of electrons in various shells of carbon? How many valence electrons will carbon have? We know that the reactivity of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell. That is, attain noble gas configuration. कुछ यहाँ पे आपके ना पॉइंट्स बता रखे हैं टेबल बता रखी है 14.1 में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दे रखी है एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसमें लिखा हुआ है CH3COOH जहाँ पे COOH लग जाएगा CH तो आपका हाइड्रोकार्बन बॉन्डिंग कर गया है लेकिन साथ में इसमें क्या और लग गया COOH जो लगा है तो ये क्या बन गया एसिड बना दिया जहाँ पे COOH लगता है वो एसिड बन जाता है तो एसिडिक एसिड हो गया क्लियर इसके बाद क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्लोरो का फार्मूला ही सी एल होता है और उसके बाद क्लोरोफॉर्म है तो सी एच तो है ही बॉन्डिंग उसके साथ तो सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है
और इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें से आपका बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू आ सकता है या फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट के थ्रू आ सकता है। इथेनॉल CH3CH2COOH तो नहीं आएगा, OH है सर, ठीक है, CH3CH2OH। इट मींस इसका क्या है, C2 और H5OH है, इसको और खोल दिया है, C2 है ना इसमें, C2H5 हो गई, H कितने हैं, 3 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, उस OH को छोड़ दो, यहाँ पे सिंपल CH के साथ देखते हैं तो, और OH है तो O लग जाएगा, OL, OH जहाँ पे भी लगा है साथ में तो उसके नेमिंग में लास्ट में OL लग जाता है, ठीक है। और मिथेन CH4, मिथेन आपके जो सिलेंडरों में गैस है वो कौन सी गैस है, सिलेंडरों में गैस कौन सी होती है, हाँ जी LPG होती है, LPG गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेकिन उस पेट्रोलियम गैस का नाम भी होता होगा कुछ, मिथेन CH4 सिलेंडर के अंदर होती है, ठीक है। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इफ वी इट वर टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4- anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electrons. Second, it could lose okay, it could gain 4 electrons forming C4. gain kare hai na isne, jo gain karta hai yani ki jo leta hai wo minus lagta hai, theek hai, aur jo deta hai usme kya lag jayega, plus lagega. 1 second, सोडियम है, सोडियम प्लस, एक आपका क्वेश्चन भी बन के आता है, ये कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है, किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो तो होता है 11, लेकिन उसके बाद भी हम इसे कह रहे हैं कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये, व्हाई इट इज कॉल्ड अ कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन, सोडियम एंड ए पॉजिटिव इज कॉल्ड अ कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन, व्हाई इट इज कॉल्ड सो, हो जाता है, बताइए बच्चा, अपन ही बात को एक्सप्लेन करो ना, मैं तो आपके क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल दूंगी, हाँ जी डिवाइड कीजिए इसको, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड करते हैं, टू ए एल एम एन में डिवाइड करते हैं, टू ए वन, ये ले भी तो सकता है, 7 ले भी सकता है, वेरी गुड, ये बड़ी नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ अपने क्या कर सकता है, 1, 2 और 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या कर सकते हैं, इजिली लूज कर सकते हैं, ठीक है, और ये दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो 7 अगर यहाँ पे इसको लेना होगा तो कोई नहीं देगा 7, उससे अगर 7 चीज है उसके पास, 8 चीज है, एक तो वो दे भी देगा, साथ के साथ कहेगा मैं क्यों दूंगा, ठीक है, तो सेम केस इनके साथ भी बनती है कि ये 7 तो लूज नहीं करेंगे, 1, 2, 3 लूज कर सकते हैं, तो ये लूज कर देता है, लूज करते ही इसका अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लूज करते ही क्या बन गई, अब इसके प्लस लगते ही लूज करते ही ये बन गया Na पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन लग गया, यानी कि इसने लूज कर दिया, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये बस, और ये कम्प्लीटली फील्ड है, 8 है लास्ट यहाँ पे, तो फील्ड है इसलिए इसको Na पॉजिटिव कहा, ठीक है। अच्छा नोबल गैस, कौन है नोबल गैस, एक गैस का नाम बता दो नोबल गैस, हीलियम, हीलियम एटॉमिक नंबर क्या है इसका, दो है, वेरी गुड, और कौन सी ऐसी गैस,
नोबल गैस क्यों कहा गया इनको नोबल गैस को नाम ही ना, 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 इन गैसों को नाम ही नोबल गैस क्यों रखा गया हमने इनका शेल कंप्लीट होता है अपने आप को इंग्लिश में बोलने का कोशिश करो पेपर हिंदी में नहीं लिख के आस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर कम्प्लीटली फिल्ड इन द शेल दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन द नोबल गैस और इट इज कॉल्ड अ नोबल गैस और दे आर प्लेस्ड इन द 18th ग्रुप 18th ग्रुप में इनको रखा गया है और नोबल गैस इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके सारे शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं ठीक है और 18th ग्रुप में इनको रखा गया कौन कौन सी गैसें अगर आपसे पूछा जाए आपसे चार गैसेस के नाम दे दिए जाएंगे या तीन गैस के नाम दे दिए जाए ऑप्शन में ही डाल देते हैं क्योंकि आपके सबसे ज्यादा तो ऑप्शंस आएगी अब मैं ऑप्शंस में उठाती हूँ क्योंकि ऑप्शन आने लगते हैं सबसे ज्यादा चार गैस के नाम दे दिए तीन गैस के और लास्ट ऑप्शन आपका बढ़ा दिया ऑल ऑफ दीज चार तीन गैस कौन कौन सी है हीलियम दे दी नियोन दे दी नियोन दे दी हीलियम दे दी आर्गन दे दी और ऑल ऑफ दीज डाल दिया तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आर प्लेस इन 18th ग्रुप और दीज आर ऑल नोबल गैसेस ओके तो यहाँ पे कम टू द लेसन अब लेसन पे आ जाते हैं लेसन से बाहर चले गए थे अभी थोड़ा अब लेसन पे आते हैं चलिए अच्छा बेटा कार्बन की बात हो रही थी कार्बन को माइनस साइन यहाँ पे C4 माइनस का दिया था C4 माइनस क्योंकि इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए गए ठीक है अगर प्लस होता है तो इसने क्या है गेन कर लेते हैं माइनस में गेन करते हैं प्लस में ये लूज करते हैं माइनस में ये क्या करते हैं गेन करते हैं और प्लस में लूज करते हैं चलिए बेटा इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव कैटायन बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड ए कार्बन कोई चीज अपनी लूज करता है ना तो एक या दो उसको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती लेकिन ज्यादा कोई चीज अपनी लूज करेगा तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है पढ़िए कैटायन विद 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन एक और बात बेटा C4 माइनस और C4 प्लस इस जब ये माइनस आता है C4 को भी छोड़ो जब ये माइनस आएगा और प्लस आएगा तो आप इसको क्या बोलेंगे माइनस साइन को क्या बोलेंगे एनायन कटायन तो अब मैं इसको सीधा एटनायन और कटायन बोलूंगी तो चलेगा ठीक है प्लस माइनस की जगह पढ़ो बेटा नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ द बोथ द एटम्स एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होंगे तो शेयर नहीं करेंगे शेयरिंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक शेल्स पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल्स में ठीक है आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 है तो वह लूज कर देगा आउटर मोस्ट शेल में अगर उसके ज्यादा है अबव 4 तो क्या करेंगे वो 8 से लेस करेंगे 8 से लेस करके जो है वो उसकी वैलेंसी भी बनती है ठीक है 9th में पढ़ा था ना वैलेंसी कैसे निकालते हैं तो वो उसकी वैलेंसी बनती है और उतने ही वो लूज करेंगे या गेन करेंगे जो भी है उसका पढ़िए बेटा The atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration. Before going on to compounds of carbon, let us look at some simple molecules formed by the sharing of valence electrons. The simplest molecule formed in this manner is that of hydrogen. As you have learnt earlier, the atomic number of hydrogen is 1. Hence, hydrogen has 1 electron in its K shell and it require 1 more electron to fill the K shell. So, 2 hydrogen atoms share their electron to form a molecule of hydrogen H2. This allows each hydrogen atom to attain the electronic configuration of the nearest noble gas, helium, which has 2 electrons in its K shell.
वी कैन डिपिक्ट द दिस यूजिंग डॉट्स और क्रॉसेस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. हम डॉट्स या फिर उसको किससे कर शो ऑफ करेंगे, क्रॉस से शो करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं. बेटा एक सेकेंड देखो, अब हम हाइड्रोजन की ही बात करते हैं. यहाँ पर आपको दे रखा है H2, ठीक है, H2. तो इसकी बॉन्डिंग भी करते जाएंगे साथ साथ. बॉन्डिंग देखिए H2, H2 में कितने हाइड्रोजन के वो जो हम वैलेंसी अगर निकालते हैं तो कितनी है इसकी वैलेंसी, इसका नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर बता दीजिए. सिंपल सारी चीज छोड़िए, एटॉमिक नंबर इसका, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, इसकी वैलेंसी भी 1 है. एटॉमिक मास इसका कितना है, टू, मास इसका 2 है, ठीक है. तो बेटा ये देखिए, अब इसका हम लिखेंगे 1 है ना इसकी एटॉमिक नंबर, यस. तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 लिख रखे हैं ना, तो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लिखिए. और दोनों को हम अगर शेयरिंग करेंगे तो इनके लास्ट में हम जो एटॉमिक इसकी एटॉमिक नंबर कह लेते हैं, एटॉमिक नंबर जो होते हैं इसका 1 ही है. तो दोनों को सामने सामने या तो आप क्रॉस से शो कीजिए या फिर इसको डॉट से शो कीजिए. ये इसके 2 मेथड है शो करने के, या क्रॉस से या डॉट से. तो इन दोनों को आपस में ये जब है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं ना, तो ये शेयर कर रहे हैं आपस में, इसलिए अब ये शेयर होके क्या बना दिए, एच टू. और जब ये सिंगल सिंगल जा रहे हैं, मतलब एक एक ही है, सिंगल बॉन्ड, तो ये आपका कैसा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड. ये आपका कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड. अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओ टू, सिंगल बॉन्ड समझ में आ गया, ठीक है. ऑक्सीजन के कितने हैं, ओ टू, इसके एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 या 8 है. तो इसकी डिवाइड कीजिए के एलसीएम में, तो 2 और 6, ठीक है. ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2, ओ टू है ना, तो 2 ऑक्सीजन लीजिए. हमने एक बार 2 से ज्यादा यहाँ हम नहीं लेंगे, किसी भी साइड ले, हम यहाँ 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 ले सकते हैं इसको. 4 देखिए ये है, जैसे इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड लेंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड, इस तरीके से जाता है, ठीक है. बॉन्डिंग हम इसकी जो लेते हैं, जो भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं उसके इस तरीके से लेंगे, 2 ऊपर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, इस तरीके से. और कम हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इस तरीके से ही लेते हैं, 3 नहीं ले सकते, 3 या 4 एक बार नहीं लेंगे हम. ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 है. 6 में ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गए. अगर हम इसमें भी ऐसे जाएंगे, ओ टू है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके. लेकिन ये देखो ना, अब हम इसकी बॉन्डिंग तो कर नहीं सकते ना, नहीं कर सकते. अगर हम इसको उठाकर यहां से यहां पर लगा दें, इसको भी उठा दे यहाँ से और यहाँ लगा दे, कोई बात नहीं, उधर रह गया तो कोई नहीं, इस नीचे वाले को यहाँ लगा दो, इनको कहीं कहीं लगा दो, चल जाएगा. मतलब 2 से ज्यादा नहीं लेना, 2 आमने सामने ले लेते हैं. लेकिन जब यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे तो एक एक आ रहा था तो सिंगल बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना, ये तो ये आ रहे हैं आपके डबल बॉन्डिंग. ये बॉन्डिंग कैसी कहलाएगी, डबल बॉन्डिंग. क्लियर हो गया, ओ टू के लिए आपकी जा रही है डबल बॉन्डिंग. अब नाइट्रोजन N2, इसको रब कर दो, क्लियर हो गया, नहीं हुआ. ऑक्सीजन के कितने हैं, 8 है, लेकिन लास्ट में कितने हैं, 6 है ना, हमने इस शेल में देख रहे हैं लास्ट वाले में, तो 6 बनाओ, 2, 2, 4 और 5 है, लास्ट वाले हमने देने होते हैं, ठीक है. अगर हम यहाँ भी कर लेंगे तो ये हमने लास्ट वाले शेल के लेने हैं, हाइड्रोजन में तो लास्ट में भी वही हुई थी, ठीक है, लास्ट वाले शेल के ले लिए, ये भी ध्यान रखना. क्लियर, डबल बॉन्डिंग हो गई. अब आते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग में, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये क्लियर हो गया सबको, रब कर दूं, नाइट्रोजन पे आ जाओ. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई,
ठीक है, ये उसका डिपेंड करता है उसके लास्ट एटॉमिक शेल के ऊपर, बॉन्डिंग भी उसी पे डिपेंड करेगी। सेवन है तो के और एल शेल में डिवाइड हो जाएंगे, सेवन तो फर्स्ट टू से ज्यादा नहीं जाते। नेक्स्ट कितने आ जाएंगे? फाइव। इतने तो नहीं लेंगे अब इसमें, तो हम क्या करते हैं अब इसमें देखिए, फाइव नाइट्रोजन एन टू है, एक दो ले लिए, बच गए कितने? तीन बच गए, तो हम इसको सामने ही कर सकते हैं, इस केस में कर सकते हैं जब इस तरीके से जाइए। तो एन टू है फिर एन दो तो कहीं ऊपर नीचे यहाँ कहीं भी दे दो, लेकिन बचे तीन इसमें से तो वो तीन आमने सामने दे दो, एक दो तीन, तो ट्रिपल बॉन्डिंग क्लियर हुआ है। ठीक है, हम ये बॉन्डिंग एक बार फिर से मैं रिवाइज कराऊंगी, कल आप इसमें से करके देखिएगा, कोई भी एटॉमिक नंबर उठाइए और उसको बॉन्ड बनाने की कोशिश कीजिए, डबल में उठा के, सिंगल में नहीं डबल में, दूसरे के साथ भी, जरूरी नहीं है कि भाई इसी के साथ, लेकिन दूसरे के साथ उठाओगे, जैसे सोडियम क्लोराइड का बना देना बॉन्डिंग, एक के क्रॉस में लोगे तो एक के डॉट में लेना, दोनों के सेम नहीं लेने पॉइंट, जैसे आपने इसमें अगर एक के क्रॉस ले लिए सोडियम के, सोडियम के लिए क्रॉस ले लिए तो इसके लिए डॉट लोगे, तब बॉन्डिंग नहीं होगी, आपस में अलग अलग शो करोगे, वो हम कल देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे और कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।